ओके स्टूडेंट्स, नाउ इज़ द टर्न ऑफ पेज नंबर 12। टुडे आवर टॉपिक इज़ फूड। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए। हैंड्स, डबल अंडरलाइन द वर्ड हैंड्स एंड राइट ऑन इट हाथ। बिफोर, पहले। एनीथिंग, कोई चीज़। ईट स्लोली, हमें आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। स्लोली, आहिस्ता। च्यू फूड वेल, च्यू चबाना, वेल अच्छी तरह। हमें फूड को, हमें खाने की चीज़ों को अच्छी तरह चबाना चाहिए। डू नॉट ईट फूड लेफ्ट ओपन एंड अनकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा टाइम खुली रहे, लेफ़्ट ओपन, खुला रह जाने वाला। एंड अनकवर्ड, अनकवर्ड का मतलब भी खुला है, लेकिन यहाँ पर हम इसका मीनिंग लेंगे कि जिस पर ढक्कन ना हो। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, डबल अंडरलाइन द वर्ड लॉन्ग टाइम, ज़्यादा वर्ड। तो फूड के बारे में हमें किस तरह रहना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। ईट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। च्यू फूड वेल, खाने को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। डू नॉट ईट फूड लेफ्ट ओपन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो ज़्यादा टाइम खुली रहे, जिस पर ढक्कन ना हो या जिसका पैक खुला हुआ हो। एंड अनकवर्ड, और जो ढक्कन के बगैर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा वक्त के लिए। नेक्स्ट इज़ मशीन्स। मशीन्स, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मशीन्स हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, जैसे कपड़े सीने वाली मशीन हो गई, ये भी एक मशीन है। आप सिंपली अपने टीवी को देखिए, वो भी एक मशीन है। तो यूज़ मशीन एंड टूल्स विद केयर, हमें इन तमाम मशीन्स को, टूल्स, औजार, डबल अंडरलाइन द वर्ड टूल्स, केयर, एहतियात। नेवर, कभी नहीं। रन विद देम और प्ले विद देम। यूज़ मशीन एंड टूल्स विद केयर, हमें मशीन्स और टूल्स को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। नेवर रन विद देम, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें इसके साथ भागे, या हमारे हाथ में कोई भी मशीन हो, कोई भी टूल हो और हम भागे। जैसे आपके हाथ में, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टूल्स में हैमर आता है, अगर आपके हाथ में हैमर हो या स्क्रू ड्राइवर हो और आप भागे, या आपके हाथ में नाइफ़ हो, नाइफ़ भी एक टूल है, और आप भागे तो आप अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं। तो हमें कभी भी, नेवर रन विद देम, इनके साथ ना भागना चाहिए। एंड प्ले विद देम, और कभी भी इनके साथ खेलना नहीं चाहिए, ना हैमर के साथ, ना स्क्रू ड्राइवर के साथ, ना नाइफ के साथ। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो मशीन्स में आती है, जो टूल्स में आती है, हमें उनके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज़ साउंड। लेकिन साउंड को पढ़ने से पहले हम पहले इस लिस्ट को देखेंगे। यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ों की साउंड्स के बारे में है, जैसे साइलेंस है, साइलेंस का मतलब है खामोशी। फिर है विस्पर, लीव्स रसलिंग, लीव रसलिंग का मतलब है पत्ते गिरना, रनिंग, डिश वाटर, पानी का बहना। तो इन सब चीज़ों से आवाज़ निकलती है। अब साइलेंस, लेकिन इस आवाज़ को हम कैसे नापते हैं, इसको हम डीबी में नापते हैं। वॉल्यूम के साथ, साउंड के साथ हम हमेशा लिखते हैं डीबी, जिस तरह हम वेट के साथ लिखते हैं केजी, इस तरह हम वॉल्यूम के साथ, साउंड के साथ लिखते हैं डीबी। डीबी का मतलब है डेसिबल। जिस तरह हम कहते हैं कि हमें 1 kg पोटैटो लेना है, या हमें 2 kg लेना है, या 1 dozen लेना है, तो इस तरह हम साउंड को भी नापते हैं। और साउंड को नापने के लिए हम उसके साथ क्या यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं, डीबी, स्मॉल डी, स्मॉल बी, डेसिबल। तो हमारे जो सुनने की सलाहियत है वो एक ख़ास हद तक है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगी तो उससे हमारे कान, जो हमारे एयर हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। तो साउंड, नेवर शाउट इन टू सम वन एयर। साउंड, डबल अंडरलाइन द वर्ड साउंड एंड राइट ऑन इट आवाज़। नेवर शाउट इन टू सम वन्स एयर, कभी भी किसी के कान में चीखना नहीं चाहिए। शाउट, चीखना। डू नॉट पुट बीड्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इन टू योर ईयर्स। कभी भी अपने कान में बीड्स का मतलब है छोटे दाने, और शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प का मतलब है तेज़ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, इन टू योर ईयर्स, अपने कानों में।
डू नॉट यूज़ हेडफोन्स टू ऑफन. हेडफोन्स जिस तरह मोबाइल के हेडफोन्स होते हैं, हमें उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. टू ऑफन, टू ऑफन का मतलब है बहुत ज़्यादा. तो साउंड्स के बारे में हमें किस तरह केयरफुल रहना चाहिए. नेवर शूट शाउट इनटू समवन ईयर, कभी भी किसी के कान में चीखना नहीं चाहिए. डू नॉट पुट बीड्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू योर ईयर्स, कभी भी अपने कान में या किसी और के कान में कोई भी शार्प चीज़, कोई भी बीड नुमा चीज़, बीड का मतलब है जो गोल हो छोटी हो, उसको नहीं डालना चाहिए. जिस तरह अक्सर हम स्कूल में देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कान में पेंसिल की वो टिप जो है वो डालते हैं, तो इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए. इससे क्या होता है कि हमारे ईयर के अंदर एक पर्दा सा लगा होता है जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम, वो डैमेज हो सकता है, ईयर ख़राब हो सकता है. डू नॉट यूज़ हेडफोन्स, और हमें हेडफोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट का मतलब है कोई भी गर्म चीज़, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली. यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, हमें इस्त्री नज़र आ रही है, आयरन नज़र आ रहा है. और अगर इस्त्री ऑन हो, देखिए ना इस पे लिखा हुआ है ऑन, तो कभी भी हमें इसके करीब नहीं जाना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो ये गर्म होता है, ये आपके हाथ को बर्न कर सकता है, जला सकता है. दूसरा इसमें बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है जो कि आपको करंट दे सकता है. तो कभी भी इन बिजली की से चलने वाली चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इनको टच नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रिक करंट कैन हार्म यू, इलेक्ट्रिक करंट बिजली कैन हार्म. हार्म मीन्स नुकसान. नेवर, सो नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और वायर्स. हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का मतलब है आलात, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए. जिस तरह इस्त्री हो गई, इस्त्री भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, और वायर्स या बिजली की तारों को हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट पोक थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट. अब हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको पिक्चर में इलेक्ट्रिक सॉकेट नज़र आ रहा है, तो कभी भी इसमें चीज़ें नहीं डालनी चाहिए. पोक का मतलब है अंदर डालना. इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट, इन बिजली के जो बोर्ड हैं इनके अंदर कभी भी कोई भी चीज़ अंदर नहीं डालनी चाहिए. और टच बेयर वायर्स, और हमें इन बेयर वायर्स, बेयर का मतलब है नंगी तार, ऐसी तार जिसके ऊपर प्लास्टिक कवर ना हो, जो तार के ऊपर वो ब्लैक कवरिंग होती है, अगर वो नहीं है तो कभी भी हमें बिजली की तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए. वायर का मतलब है तार. स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर वेरी हॉट. वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए. नेक्स्ट इज़ लाइट. आप देखिए यहाँ पे आपको एक गर्ल नज़र आ रही है, वो बाहर सनलाइट में खड़ी है, लेकिन उसने क्या पहना हुआ है, एक तो सनलाइट से अपने आप को बचाने के लिए उसने हैट पहना हुआ है, और अपनी आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या पहना हुआ है, सनग्लासेस. तो जब भी हम गर्मियों में बाहर जाते हैं, हमें हैट पहनना चाहिए, कैप पहनना चाहिए, और हमें सनग्लासेस पहननी चाहिए. इससे क्या होगा कि हमारी आइज प्रोटेक्ट होंगी, हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से ख़राब नहीं होगी, इफ़ेक्ट नहीं होगी. लाइट, लाइट का मतलब है रोशनी. नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन. डायरेक्टली बिल्कुल सीधा, हमें कभी भी सन को डायरेक्टली बिल्कुल सीधा नहीं देखना चाहिए. नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट विद अ मिरर इनटू एनीवन्स आइज. कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी की आंखों में, अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं कि सनलाइट के सामने मिरर पकड़ लेते हैं और दूसरे बच्चों की आंखों में वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आइज ख़राब हो सकती हैं या दूसरे बच्चों की आइज ख़राब हो सकती हैं. डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन द सनशाइन. तेज़ धूप में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहिए. स्पेंड गुजारना, तेज़ धूप में कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहिए. इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी जो है वो ख़राब होगी, और ये हमारी आइज़ को, हमारी दूसरी बॉडी ऑर्गन्स को हार्म कर सकता है. सो ये तो था पेज नंबर 12.